तुझसा कोई आया है ना आएगा कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्मे अज़ाम में आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी आपके साथ हाज़िर है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम मुझे है हुक्मे अज़ाम में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हमारे मुआशरे में मौजूद मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ शरई और फ़िकी मसाइल पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है ख़त्मे नबूवत के हवाले से। चूँकि ये सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में 7 सितंबर 1974 का जो दिन है वो तारीख साज दिन है, जिस दिन कादियानियों को बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनको काफ़र करार दिया गया। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मेहमान आलमे दीन अल्लामा जमशेद अली सईदी साहब और उनके साथ साथ अल्लामा साहिबज़ादा ताहर मंजूर मुर्तज़ाई साहब। मैं सबसे पहले इनको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अंग्रेज़ ने या कुफ़ार ने जब भी दीन इस्लाम को तोड़ने की कोशिश की है, दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश की है, तो उन्होंने दीन इस्लाम को अंदर से मुसलमानों के अंदर से कुछ ऐसे बंदे खरीदे कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर दीन का लिबादा तोड़ा हुआ है, उनसे यानी कि मुसलमान भी उनके साथ मुंसलिक हैं, तो कुफार उन लोगों को ख़रीद कर पैसे देकर या दूसरे लालच देकर उनसे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ यानी कि मुसलमानों को जो असल दीन है इसके ख़िलाफ़ ऐसी बातें उन्होंने लिखवाई और करवाई कि जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा हो गया। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह अकबर बादशाह के दौर में आप देखें कि जो अकबर बादशाह था उसने दीन अकबरी के नाम से एक ऐसा दीन मुतारफ़ करवाया कि जिसमें उसने हिंदू सिख का ईसाई इन सब को मिलाकर कुछ उनकी किताब से कुछ उसकी किताब से कुछ मवाद उसकी किताब से लेकर यानी कि एक अलग अपनी ही किताब उसने बना दी और उसका नाम उसने दीन अकबरी रखा। यानी कि उसने सबको खुश करने के लिए एक ऐसा दीन मुतारफ़ कराया कि जिसकी वजह से किसी पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सके, उसकी ये सोच थी। इसी तरह आप देखें कि जब बरसगीर के अंदर जब अंग्रेज़ आता है 1857 के बाद, उसने यहाँ पर आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश की, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की, तो उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खड़ा किया और उसको ख़रीदा और उसको पैसे का लालच देकर या दूसरे तरीक़ों से उसने बाकायदा अपना एजेंट बनाकर बरसगीर में उसने मुतारफ़ करवाया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने पहले तो मुख्तलिफ दावे किए, उसके बाद अचानक उसने नबूवत का दावा भी कर दिया। जब उसने नबूवत का दावा किया तो मुसलमानों के अंदर गम गुस्सा की लहर दौड़ गई और उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने जलसे जुलूस रैलियां जो भी उस वक़्त था मुसलमानों ने किया, आवाज़ उठाई अपनी। तो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशल प्रोग्राम नौजवानों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज के दौर में हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जिस तरह नौजवानों को वर्गला कर अंदर ही अंदर खाते में यानी कि खुफिया तौर पर कादियानियत की तबलीग की जा रही है और मुसलमान नौजवान जिनकी अभी इतनी तरबियत नहीं होती दीन इस्लाम के हवाले से कि उनको ख़त्मे नबूवत का सही अकीदा भी मालूम नहीं होता, तो उनको वर्गला कर अपनी कादियानियत की तरफ रागब करते हैं। आज हम ख़त्मे नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे जितने भी नौजवान हैं ये आज का प्रोग्राम लाजमी देखें, ये इंशाल्लाह बहुत मुफीद उनके लिए साबित होगा। अच्छा अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं अल्लामा जमशेद सईदी साहब से सवाल करूँगा ख़त्मे नबूवत के हवाले से कि अल्लामा साहब, ख़त्मे नबूवत का मानी और मफहूम क्या है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्मे नबूवत का मफहूम या जो माना है वो उलमा ने ये बयान किया कि जो ख़त्म है जी इसका माना मोहर लगाने के भी आते हैं, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ख़त्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, तो इसी ख़त्मा से ख़त्म बनता है। तो आगे आगे नबूवत, तो यानी नबूवत पर मोहर लगा दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो याद किया जाता है ख़त्म नबूवत यानी आखिरी नबी होने के हवाले से, या ख़ातमुन नबीयीन आपका जो खासा है, जी तो इसका मफहूम ये निकलता है कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, यानी नबी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से जो नबुव्वत का सिलसिला दुनिया में भेजने का शुरू हुआ वो चलता चलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई दुनिया में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आपको खातमुन नबीयीन नबी बनाकर भेजा। यानी जो आपसे पहले नबी थे जब आपकी बारी आई तो आपकी नबुव्वत को बतौर मोहर लगा मोहर साबित करने के लिए भेजा जी। जिसका मतलब ये निकलता है कि जब हम कोई खत लिखते हैं तो खत के लफाफे के ऊपर मोहर लगा दी जाती है, जिसका माना ये होता है कि अब इस खत के अंदर एक लफ्ज लिखने की भी गुंजाइश नहीं, यानी मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खत्मे नबुव्वत की बात आती है या जो मफहूम जहन में आता है वो यही होता है कि अब किसी नबी की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी तशरीफ आवरी ने तमाम जो नबुव्वत के दरवाजे बंद कर दिए, जिसका मफहूम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगरचे मुनकरीन नबुव्वत खत्मे नबुव्वत ने इसका माना मफहूम और भी निकाले हैं कि मा काना मुहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, इस खातमुन नबीयीन से और भी अपनी मर्जी का माना मफहूम निकालने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वो खत्म हो जाती है। क्या आपने वजाहत फरमा दी कि खातमुन नबीयीन का माना क्या है? बिल्कुल। आपने फरमाया ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, आना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ। बिल्कुल सही। तब खुद आपने खातमुन नबीयीन का माना भी बता दिया। अच्छा अल्लामा ताज साहब, आप बताएं कि कुरान मजीद इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है खत्मे नबूवत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मैं ममनून हूँ मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब के आज हम फिर एक अजीम प्रोग्राम और एक खूबसूरत मजमून पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं। बिल्कुल सही। और इस अहम मजमून पर बात करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना जमशेद अली सईदी साहब का तशरीफ़ लाना यकीनन हमारे लिए बायस इज़्ज़त भी है। बिल्कुल सही। और हमारे लिए मुफीद भी साबित होगा कि इंशाल्लाह वो आपके तमाम सवालात के बड़ी बड़े तसल्ली बख्श इंशाल्लाह जवाब देंगे। इंशाल्लाह। जो बात आपने पूछी कि कुरान पाक ने ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या बात इरशाद फरमाई है, देखें कुरान पाक की अगर आप तफसील या गहराई में जाते हैं तो उलमा ने जो इस पर रिसर्च की है और तहकीक की है तकरीबन कुरान पाक से 100 के करीब ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें किसी न किसी तरह से ख़त्म नबूवत के हवाले से बात की गई है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बयान फरमाया गया है। लेकिन खैर हम उस बरकत के लिए उसमें से बात नर्ज करता हूँ। देखिए हम कुरान पाक की ये बड़ी मशहूर आया मुबारक है और हम ये अक्सर पढ़ते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन। यहाँ पर लफ्ज़ वाज़ेह है और मुझसे कबल सईदी साहब ने इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी फरमाई, लेकिन मैं एक और दूसरी आयत की तरफ आऊँगा महज आपकी दिलचस्पी के लिए। और वो ये कि हम अक्सर इस आले सवाब की महाफिल में जब हम ख़त्म पाक पढ़ते हैं तो उसमें सूरह बकरा की शुरू की आयात तिलावत करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अल्लज़ीन वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये आयत मुबारक हम पढ़ते हैं ख़त्म शरीफ के अंदर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि जो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन वाली आयत ये भी ख़त्म पाक में पढ़ी जाती है और जो अभी अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी पढ़ी जाती है, तो गोया कि हम तो साल भर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आले सवाब की महाफिल में भी लोगों को ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुँचता रहता है और लोगों के जहन में ये बात आती रहती है। बहर कैफ मैं अर्ज़ कर रहा था उस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों की निशानियाँ बयान फरमाईं और ईमान वालों की निशानियों में ये बयान फरमाया कि वो लोग उनकी एक निशानी ये भी है कि युमिनून
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اب یہ ہے اصل پوائنٹ سمجھنے کا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس میں ضرور ذکر کیا جاتا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو آپ پر آپ سے پہلے والوں پر اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اصل ایمان والے ہیں جیسے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے اسی طرح دیگر کئی انبیاء نے اپنے ماں بعد نبیوں کے ذکر کیے ہیں اور قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک نے جہاں بھی یہ بات کہی وہاں ہمیشہ من قبلک تو آیا ہے کہ سرکار سے پہلے جتنے آئے ہیں کبھی من بعدک نہیں آیا کہ سرکار کے بعد بھی کوئی آئے گا تو اس پر بھی ایمان لانا ہے یا اس کو ماننا ہے یا جس طرح بھی اس کی مدد کرنی ہے جو بھی لفظ ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا جب یہ بات واضح ہو گئی تو صرف یہ ایک مقام ہے آپ اس جیسے بیسیوں مقامات قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اور جس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے اور قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو جیسے نبی کے ساتھ کتاب کا التزام ضروری ہے لازم اور ملزوم ہے تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک نے بڑا واضح فرمایا خاتم النبیین یعنی آپ آخری نبی ہیں بالکل صحیح ناظرین پروگرام کے باقی سوال میں ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام مکمل دیکھیں ہمارے ساتھ رہیے گا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے یعنی کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے اور قرآن مجید ختم نبوت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اب میں سوال کروں گا علامہ جمشید سیدی صاحب سے سید صاحب آپ بتائیں کہ حدیث مبارکہ میں ہماری حدیث مبارکہ کیا رہنمائی کرتی ہیں کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا فرمایا اور یہاں پر میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے واضح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ماسلی و ماسل الانبیاء کا ماسل راجلن کہ میری مثال اور نبیوں کی مثال فرمایا اس بندے کی طرح ہے جو ایک خوبصورت اپنا گھر بناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے تو جب اس کو دیکھنے والے دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کریں تو تعریفیں کرتے کرتے ان کی نظر ایک ایسی جگہ پہ پڑے جہاں وہ اتنا عالی شان محل کی تعریفیں کرتے کرتے وہ دیکھیں کہ یہاں ایک اینٹ کی کمی ہے اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت اور یہ محل یا یہ جو بلڈنگ ہے یہ مکمل تھی اور اپنے حسن کے کمال کو پہنچ جاتی بالکل صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وہ اینٹ کی کمی تھی جو اس محل کے اندر اینٹ کا خلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری بعثت کے ساتھ وہ اینٹ کی کمی وہ محل کے خلا کو مکمل کر دیا تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبوت کے محل کی تعمیر فرمائی وہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से वो नबुवत के महल की तकमील हो गई, जिससे वाज़ेह पता चलता है कि आपके बाद कोई नबी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा दार साहब, हमारे आजकल जो मिर्ज़ई, कादियानी या लाहौरी, इस तरह के मुख्तलिफ नामों से ये लोग अपने नाम के साथ लिखवाते हैं, ये कौन लोग हैं और इनसे मुसलमानों का क्या इख्तलाफ है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जी, ये आज आप देखेंगे कि कई नामों से एक जमात है, जो कभी कादियानी हम सुनते हैं, कभी लाहौरी कहा जाता है, कभी अहमदी भी कहा जाता है, कभी मिर्ज़ई। तो एक आम आदमी इसमें परेशान होता है कि ये मिर्ज़ई कौन है, कादियानी कौन है, ये लाहौरी कौन है, ये अहमदी कौन है। तो ये जहन में रखें कि ये चारों नाम एक ही जमात के हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, जो कादियानी हैं वही मिर्ज़ई हैं, वही लाहौरी हैं, वही अहमदी हैं। चूँकि इनके जो सरबराह का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, कादियान उसका शहर था, जिसकी वजह से उसको कादियानी कहते थे। तो इस वजह से उसके पैरोकारों को कादियानी कहने लग गए कि ये कादियानी है, कादियान से। और चूँकि उसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था, तो मिर्ज़ा की नस्बत से वो मिर्ज़ई कहलवाने लगे, और अहमद भी नाम में आता था तो इसलिए अहमदी भी कहलवाने लगे, और लाहौरी भी, चूँकि उसका अक्सर उसका वक्त जो है वो लाहौर के इलाके में, लाहौर में उसका गुजरा, और यहाँ उसके मुरीदीन का या उसके मुतल्लिकीन का एक बड़ा एक हलका था, तो जिसकी वजह से वो लाहौरी भी उनमें, बाद में खैर ये एक अलग ग्रुप बन गया, वो एक अलग दास्तान है। तो ये असल बात यह कि ये चारों नाम एक ही जमात के। अब दूसरी बात कि हमारे इनसे क्या इख्तलाफात हैं, तो देखें इख्तलाफात हमारे इनसे वही हैं जो एक मुसलमान के गैर मुस्लिम के साथ होते हैं। हमारे इनसे हर एतबार से इख्तलाफात हैं। और इसमें उनका मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, और इसने सबसे एक आलिम फाजिल आदमी था, तो सबसे पहले इसने अपने वली होने का दावा किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, फिर मुजद्दिद होने का भी इसने दावा किया, और ये स्टेप बाय स्टेप जो था वो बड़े से बड़ा दावा करता गया। फिर इसने ये भी कहा कि मैं महदी अलैहिस्सलाम जो क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, जैसे सरकार ने फरमाया, तो मैं वो महदी हूँ जो आ गया हूँ। और अभी तक भी ये कुछ लोग इनमें से यही बात कहते हैं कि हम उनको महदी तस्लीम करते हैं। और ये सारी चीज़ें मनवाने के बाद फिर आखिर में इसने कहा कि मैं नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है। और फिर उसमें खैर वो एक अलग दास्तान है कि बरूजी और ज़िल्ली नबी हूँ और बरूजी नबी हूँ, लेकिन बाहर कैफ इसने नबूवत का ऐलान किया और कहता है कि मैं नबी हूँ और मुझ पर वही आती है और फरिश्ता मुझे सारे अहकाम देखे जाता है। तो ये असल वो वजह थी, क्योंकि इसके मुजद्दिद होने पर मुमकिन है कोई इख्तलाफ करता, कोई नहीं भी करता भी हो भी सकता है, हो ना भी हो तो चलो क्या, इसमें ये कोई इतना माने नहीं रखता। लेकिन जब इसने आहिस्ता आहिस्ता नबूवत का ऐलान कर दिया, तो उस वक़्त फिर असल जो इख्तलाफ है वो हमारा इनसे हुआ कि नबी तो सरकार अलैहिस्सलाम के बाद कोई नहीं आ सकता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ये तो इस तरह की बात करके सरकार की दुश्मनी मोल ले रहा है, और ये मुसलमानों के अंदर ये एक बहुत बड़ा फितना पैदा कर रहा है। तो उस वक़्त फिर हमारे इनसे इख्तलाफात जो हैं वो बढ़े। सही साहब, जिस दौर में ये फितना सार उठा रहा था, तो उस वक़्त के उलमाए कराम ने किस तरह इसकी निशानदेही की, और उनमें नुमाया कौन कौन से उलमाए कराम थे, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। जी, जिस तरह अल्लामा ताहिर मंज़ूर मुर्तज़ई साहब ने अभी फरमाया कि जैसे ही इसने नबूवत का दावा किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, तभी से अहले ईमान के साथ इसकी दुश्मनी सामने आ गई। और उस वक्त बहुत से नामवर और जय्यद उलमा ने इसकी सरकोपी के लिए भरपूर अपना अपना किरदार अदा किया, जिनमें ताजदार गोडला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी नाम सरे फहरिस्त है, और मुहद्दिस-ए अलीपुरी मीरे मिल्लत हजरत सैयद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी इसके अंदर भरपूर किरदार अदा किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठे होने पर आपने काफ़ी दलीलें भी दीं, बल्कि यहाँ तक कि ये लाहौर के अंदर ही बादशाही मस्जिद में
आपने खिताब करते हुए फरमाया था कि मुसलमानों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला इस फितने से हमें निजात दे देगा। तो जिसका नतीजा ये निकला, अभी हफ्ता मुकम्मल ना हुआ था तो मिर्ज़े की मौत वाक़या हो गई। अच्छा, किस दौर में इसने ऐलान किया था नबूवत का? हाँ, मिर्ज़े ने ये नबी होने का ऐलान 1901 में किया। अच्छा, 1901 के बाद उस वक्त जब इसकी एक जमात बकायदा बन गई, कुछ इसके फॉलोअर्स बन गए, इसके पार्टी के लोग बन गए, तो जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद इसका जो हमायती था जफरुल्लाह कादियानी, वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी बन जाता है। तो उस वक्त जब पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन गया, तो इस्लामी मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा है वो कादियानी है, तो उसके लिए मुसलमानों में से कौन से उलमाए किराम ने अपने अहम इकदाम उठाए, इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाई आप? जी, इस हवाले से ये है कि ये गालिबन ये 1950 52 की बात है। जी जी। तो उस वक्त तकरीबन तमाम मसालिक के लोगों ने इस मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह जो कादियानी था, वज़ीर ख़ारजा जिसका अपने नाम लिया, इसको ओहदे से बरतरफ करने के लिए खूब तहरीकें चलाईं। सिर्फ इसको बरतरफी का मुतालबा नहीं, बल्कि यहाँ तक मुतालबे किए कि ये कादियानी गैर मुस्लिम हैं, तो इनको हमारे इस इस्लामी मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, तो ऐसे कलीदी अहदों पर इन गैर मुसलमों को नहीं बिठाया जा सकता। तो जिनके अंदर ये मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी, इनका नाम भी नुमाया आता है, बल्कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलामा थे उन सब ने, पीर सैयद अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मस्जिद वज़ीर ख़ान के ख़तीब थे, उनकी क़ियादत पर इत्तेफाक किया, उनको आगे चलाया। तो उनकी क़ियादत में फिर तकरीबन 1952 और 53 की तहरीकें चलीं, तहरीक ख़त्म नबूवत के नाम से। बिल्कुल सही है। तो उस तहरीक के नतीजे में ये हुआ कि चूँकि हुकूमत थी, इक़्तदार था, हुकूमत ने इक़्तदार के ज़ोर पर इस तहरीक के अंदर शामिल मुसलमानों पर बहुत ज़रा ज़ुल्म व सतम किया, ज़ुल्म के पहाड़ ढाए, जिसके नतीजे में यहाँ तक के मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी, सैयद खलील अहमद कादरी और मौलाना मदूदी को, इनको सजाए मौत का भी हुक्म सुना दिया। अगर के बाद में रिहाई हो गई तो, लेकिन हुकूमत ने इस तहरीक को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की थी। अच्छा सैदी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कादियानियों को काफ़र करार दिलवाने के हवाले से जिन उलमाए किराम ने 1974 का जो आइन है 7 सितंबर 1974 को बकायदा जिसमें कादियानी को काफ़र करार दे दिया गया, तो उसमें कौन से उलमाए किराम ने अहम किरदार अदा किया? क्योंकि आज हमारे मुआशरे में बहुत से मकातबे फ़िक्र के लोग कहते हैं कि हमारे अकाबरीन ने इसमें बहुत ज़्यादा ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, तो तारीख हमें क्या बताती है कि कौन से उलमाए कराम जो फ्रंट लाइन पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनतें की ख़त्म नबूवत के हवाले से, इस हवाले से रहनुमाई फरमाए? जी, इस हवाले से ये है कि अगर तारीख का सही मुताला किया जाए तासुब के बगैर, जी जी, तो बिल्कुल ये बात वाज़े हो जाती है कि किसका क्या किरदार था ख़त्म नबूवत के हवाले से, और बिलखसूस कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाने में। जी जी। तो आप देखिए 1947 के अंदर पाकिस्तान बना। बिल्कुल सही। तो उसके बाद पाकिस्तान की एक कानून साज असम्बली भी थी, वहाँ भी मजहबी लोग थे, लेकिन किसी ने वहाँ पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलाने की कोई तहरीक या कोई आवाज़ बुलंद ना की। जी जी। तो चुनाचे 1971 के अंदर आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के टिकट पर कायद मिलत इस्लामिया इमाम अशा अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। बिल्कुल सही है। और आपके साथ ही इसी JUP की से के टिकट से 7 मेंबर और कौमी असम्बली के ईवान के लिए मुंतखब हुए। बिल्कुल सही है। तो उन 15 अप्रैल 1972 को कौमी असम्बली का 3 रोज़ा इजलास शुरू हुआ। ये इजलास इब्तदाई इजलास था इस उस वक्त की असम्बली का। बिल्कुल सही है। तो मौलाना शाह मनुरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
पहले दिन ही जब उनको असेंबली में बोलने का मौका मिला तो आपने सबसे पहले कौमी असेंबली के फ्लोर पर पार्लियामेंट के अंदर आपने जो मौजूए गुफ्तगू बनाया वो खत्मे नबुवत के तहफ्फुज और कादियानियों की सरकोबी और उनके लिए हमेशा के लिए सद्देबाब करने के लिए आपने ये मौजूए गुफ्तगू बनाया और आपने खिताब किया। बिल्कुल सही है। यूं इमाम शाह अहमद नूरानी सदीकी पहले सियासतदान हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर असेंबली के फ्लोर पर खत्मे नबुवत के तहफ्फुज के लिए आवाज को बुलंद किया। बिल्कुल सही है। जी जी। तो इसी नतीजे में आज जो हमारे 73 के आईन के अंदर सलामी मुल्क होने के नाते जो रियासत का सरकारी मजहब है जो इसको इस्लाम कहा गया तो ये भी इमाम नूरानी की काबश है। फिर पाकिस्तान के जो सरबराही ओहदे हैं मसलन आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, तो इनके लिए आपने फरमाया कि इनका भी मुसलमान होना जरूरी है। फिर आपने मुसलमान की तारीफ आइन के अंदर जो दर्ज कराई आज 73 के आइन के अंदर जो मुसलमान की तारीफ है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर ईमान रखना और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना और बाकी कुतबे समाविया पर ईमान रखना। बिल्कुल सही। ये भी मौलाना नूरानी का कारनामा है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह पार्लियामेंट में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए अभास हुई तो उस दौरान अलामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जी, इस हवाले से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपने 1974 में जून के अंदर 1974 में आपने कौमी असम्बली में ये कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाने के लिए एक करारदाद पेश की। बिल्कुल सही है। और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई बकबा फिक्र वाला ये नहीं कह सकता कि हमारे किसी बुजुर्ग ने, हमारे किसी अकाबिर ने कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत देने के लिए करारदाद पेश की। इसका सब इस पर सबका इत्तेफाक है कि जो किरारदाद पेश की थी वो मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ही एजाज, अल्लाह ने उनको ही ये इनाम अता फरमाया। बिल्कुल सही है। तो जब आपने ये किरारदाद पेश कर दी उस वक्त हुकूमती ईवानों के अंदर और कादियानियों के ईवानों में बहुत सी हलचल मच गई। बिल्कुल सही है। जिसका नतीजा ये निकला कि कादियानियों ने मौलाना नूरानी रहमा, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर तरह की कोशिश की कि ये किसी न किसी तरीके से अपनी करारदाद वापस ले लें, खरीदने की भी कोशिश की। यहाँ तक वो तारीख के अंदर आता है कि जब उन्होंने देखा कि ये कादियान अपना ये जो हमें गैर मुस्लिम अकलियत कराने के लिए करारदाद पेश कर दी गई है मौलाना नूरानी ने, वापस नहीं ले रहे, तो उन्होंने एक डिमांड की। तो क्योंकि जैसे मुझसे पहले अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तजाई साहब फरमा रहे थे लाहौरी ग्रुप और कादियानी ग्रुप या हमदी, तो उस वक्त लाहौरी ग्रुप वालों ने ये कहा था कि 50 लाख हम देते हैं और 50 लाख कादियानियों ने कहा हम देते हैं, ये टोटल 1 करोड़ की रकम मौलाना नूरानी को देते हैं। सही है। और उनसे कहते हैं कि आप ये ज़रूर कहें कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी को जो नबी मानता है वो काफिर है। जी जी। तो लेकिन उसके अंदर लाहौरियों की और कादियानियों की जो तख़सीस की है ये आप ख़त्म कर दें, ये लफ्ज़ आप वापस ले लें, इसके अंदर तरमीम कर दें। जी जी। उसकी वजह ये थी कि जो लाहौरिये थे ना ये मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद को ये मानते थे मसीह मऊद मानते थे। जी जी। तो मौलाना नूरानी ने कहा था कि मिर्ज़ा है ही कादी काफिर है, मुर्तद है। जी जी। तो उसको जो भी मानने वाला होगा वो काफिर होगा, किसी भी सूरत में माने बिल्कुल सही है तो वो काफिर होगा, वो दारा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। बिल्कुल सही है। तो जब मौलाना नूरानी को जो पेशकश की गई जी जी। तो ये ऑन दी रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, बल्कि खुद मौलाना नूरानी ने बताई, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी साहब ने भी ये बात बयान की है। जी जी। तो मौलाना नूरानी के पास जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया भाग जाएं, हमें ये खरीदना चाहते हैं, हमारा सौदा तो बाजार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो चुका है, हमें जो इनाम और जो
इसका अजर मिलना था वो हमें मिल चुका है। हम इस दुनिया की सौदेबाजी करने के लिए नहीं आए। जिस बुनियाद पर ये फिर नारा चला था, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, नूरानी नूरानी का भी नारा लगा था। क्या बात है। अच्छा अलामा ताहिर साहब, ये बताएं कि जिस तरह कादियानियों को बकायदा गैर मुस्लिम करार दे दिया गया पाकिस्तान के कानून में, तो आया ऐसा महसूस नहीं होता कि इनको एक तहफ़ दे दिया गया? चूँकि ख़त्म नबूवत का जो इनकार करता है वो इस्लामिक कानून के मुताबिक वो मुर्तद होता है, तो मुर्तद तो मतलब वाजबुल कत्ल है, तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि क्या ये इनको तहफ़ तो नहीं दे दिया गया? देखें, ये बात बड़ी शद्दो मद के साथ उठाई जाती है जी जी, कि नौरानी साहब ने ये करारदाद पेश की और कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया। जी जी। तो इस तरह से तो नौरानी साहब ने उनको तहफ़ दे दिया, वो महफूज हो गए। अगर उनको गैर मुस्लिम अकलियत करार ना दिलवाया जाता तो अभी तक वो उनको मुर्तद कहा जाता, और मुर्तद जो है वो वाजिबुल कत्ल है। तो इस तरह तो मुर्तद होने से और वाजिबुल कत्ल होने से तो ये फितना बिल्कुल ख़त्म हो जाता और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। जी जी। तो इनको ये तो तहफ़ दे दिया। जी मैं जी उन दोस्तों के लिए ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखें, आप थोड़ा सा उस दौर में जाके फिर आप थोड़ा सोचें कि अगर उस सूरत हाल में ये आवाज़ ना उठाई जाती और इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार ना दिलवाया जाता जी जी। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि इनको मुर्तद कौन कहता? जी जी। वाजिबुल कत्ल कर होने का हुक्म कौन देता? बिल्कुल सही है। फिर इनको कत्ल कौन करता? और होना क्या था? होना ये था कि जैसे हमारे इस बर सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग रह रहे हैं, उनके नज़रियात अपने हैं, सारे कलमा गो हैं, लेकिन उनके नज़रियात अपने, उनके अकायद अपने, और उनका आपस में इख्तलाफ है, और बाज़ तो इख्तलाफ इस कदर संगीन है कि उन पर शायद के क़यामत तक भी समझौता नहीं हो सके। बिल्कुल। और बाज़ ऐसे हैं कि हो सकते हैं उन पर आने वाले वक्तों में समझौता हो जाए। बहरहाल अल्लाह ताला इत्तेहाद उम्मत की नेमत से हम सबको माला माल करे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह आज मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो अगर उस टाइम पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत ना करार दिलाया जाता तो आज ये भी एक मसलक बन के या एक फ़िरका बन के या एक मकतबे फ़िक्र बन के ये आज भी हमारे साथ रह रहे होते। अगर एक गांव के अंदर अहले हदीस लोगों की कुछ चार मस्जिदें हैं, कुछ दस मस्जिदें अहले सुन्नत की हैं, कुछ दो मस्जिदें देवबंद की हैं, तो कुछ दो चार वहाँ कादियानियों की भी होती, तो हर गांव के अंदर इनकी इबादत गाह होती, हर गांव के अंदर इनके तालीमी इदारे होते, और इस कदर इन पर पाबंदियाँ लागू नहीं हो सकती थी जिस कदर अब लग चुकी हैं कि ये सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये इबादत के लिए बुलाने को अजान नहीं कह सकते, और हम जो मिसल जितनी भी ये पाबंदियाँ इन पर लगी हैं ये नहीं लग पानी थी। तो फिर ये लोग बजाय इसके कि हम इनको मुर्तद और वाजिबुल कदर कह रहे होते, यानी अगर उस दौर में ये ना होता तो आज जो सूरत हाल होनी थी या आज से 20-50 साल बाद जो सूरत हाल होनी थी कि बजाय इनको वाजिबुल कदर और मुर्तद कहने के हमारे अपने लोगों ने इनका दिफा करते होना था कि नहीं जी देखें वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो देखें ये अल्लाह को मानते हैं, तो ये सारा एक मामला उलझ जाना था। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला हुआ है और बर वक्त फैसला हुआ है कि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो गई हैं इस फितने से। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल। अच्छा सैयदी साहब, कुछ उलमाए किराम भी ये राय रखते हैं कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने की बजाय अगर उनको मुर्तद ही रहने दिया जाता तो वो वाजिबुल कत्ल होते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये एतराज़ करना या अपनी राय देना ये बहुत आसान काम होता है। जी जी। असल बात होती है कि अमल करना और मैदान अमल में रहना। बिल्कुल सही है। ये उस वक्त मैं तो करोड़ा ये सलाम पेश करता हूँ कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह मनोरानी रहमतुल्लाह ताला की बसीरत को कि जिन्होंने उस वक्त तमाम कातबे फिक्र को इस बात पर ले आए कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाएं, और बल्कि पूरी असम्बली को और फिर जुल्फकार अली भुट्टो जैसे वजीर आजम को इस बात पर कायल कर लिया कि ये एक गैर मुस्लिम है और इनको अकलियत करार दिया जाए। इस करारदार पर मुत्तफिक कर लेना ही बहुत बड़ा एक कारनामा था। ये ऐसे नहीं हुआ जैसे आपने पहले पूछा कि ये किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि तारीख तो हमें ये बताती है
कि जब करारदाद पेश कर दी गई तो उस वक्त से कौमी असम्बली की एक बहुत बड़ी कमेटी बना दी गई जो कादियानियों से बात करेगी। तो कादियानियों की तरफ से ये उस वक्त उनका सरबराह था, सरखेल था मिर्ज़ा नासिर, और लाहौरी ग्रुप का सरबराह था सदरुद्दीन। तो इनके साथ कौमी असम्बली की के फ्लोर पे मीटिंगें होती रहीं, जिसको मौलाना शाह अहमद नूरानी के इस मुनाजरे का भी नाम दिया जाता है कि कादियानियों के साथ आपका असम्बली में मुनाजरा भी होता रहा। जी जी बिल्कुल सही। आप इसका अंदाज़ा यूं लगा लें कि 2 माह के अंदर 28 इजलास हुए और इन 28 इजलासों के अंदर 96 नशिस्तें हुई। अच्छा, तो इन्हीं नशिस्तों के अंदर, मुनाजरे के अंदर, ये कादियानियों के जो सरबराह था मिर्ज़ा नासिर, उसने ये मौलाना नूरानी से ये भी सवाल किया। उसने गालिबन 180 सवाल किए थे, उनमें से एक सवाल ये भी किया कि आप कहते हैं कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी, उसको नबी माने तो वो काफिर है, तो आपकी ही किताबों के अंदर है कि लिखा गया है, उस किताब का हवाला दिया तहज़ीर उन्नास का, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मौलाना कासिम ननौतवी ने लिखा कि अगर कोई और नबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आ जाए तो आपकी खत्मे नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मिर्ज़ा ने खत्मे नबूवत का दावा किया है तो उसको कोई नबी मानते हैं, तो इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस पर मौलाना नूरानी ने बरजस्ता जवाब ये दिया कि पहली बात तो ये है कि कासिम ननौतवी और ये तहज़ीर उन्नास हमारे यहाँ है ही मुतनाज़े, हम इस बात को और इस किताब को नहीं मानते। बिल्कुल सही है। तो अब वो दूसरी बात जो आपने पूछी कि अगर इनको मुर्ताद ही करार दे देते, तो आप देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात ही बहुत मुश्किल थी, ये कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाना। वो अल्लाह के फजल व करम से कि हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद इमाम शाह अहमद नूरानी सदीकी को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ और इनाम देना था, तो ये हो गया। अगर उस वक्त ये उनको मुर्तद करार देते ना, ये वाजिबुल कत्ल हैं, तो उस वक्त 2-3 बड़ी खामियाँ और ख़राबियाँ लाजम आनी थी। बिल्कुल सही है। एक तो ये कि कानूनी तौर पर आलमी कानून के मुताबिक ये करारदाद पास ही नहीं होनी थी कि कादियानी मुर्तद है, ये वाजिबुल कत्ल है, ये करारदाद पास करो। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारा मुल्क शुरू से ही आज़ाद तो हो गया अंग्रेज के तसल्लुस से, लेकिन ज़हनी तौर पर और कभी कभी हम अमली सूरत भी देखते हैं कि अंग्रेज के तसल्लुस से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं, दबाव है, तो ये करारदाद मंजूर ही नहीं होनी थी। बिल्कुल सही है। तो अगर दूसरी बात, शरी मसला, शरी खराबी भी थी इसके अंदर, वो ये कि मुर्ताद वो होता है कि जो इस्लाम से फिर जाए। बिल्कुल सही है। अब ये काम हमेशा के लिए करना था। जी जी। तो मिर्ज़े को मानने वाले वो नहीं थे कि जो पहले मुसलमान थे तब वो कादियानी बन गए, बल्कि ऐसे भी थे जिन्होंने जन्म ही ऐसे घरों में लिया जो पहले से ही मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो मुसलमान ही नहीं थे, तो फिर वो मुर्तद कैसे होते? बिल्कुल, मुर्तद तो तभी होंगे ना पहले ईमान कबूल करते। बिल्कुल सही है। तो इसलिए उस वक्त ये बस मैंने पहले कहा कि मौलाना नूरानी की बसीरत को सलाम, जिन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया और लोगों को ले आए, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू की। हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, इन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में ख़त्म नबूवत के हवाले से और कादियानियों को काफ़र करार दिलवाने के हवाले से किन उलमाए किराम ने किरदार अदा किया, तारीख़ हमें क्या बताती है, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अल्लामा साहब ने हमें बताया। उम्मीद है ये हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा हमारा आज का ये प्रोग्राम। कोशिश करें कि ये जो ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको ये प्रोग्राम लाजमी सुनाएं, क्योंकि आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कादियानियत की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कादियानियत की खुफिया उनकी तबलीग की जा रही है और कादियानियत को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, निचली सतह पर भी और उतली सतह पर भी। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमने सबसे पहले अपना ईमान बचाना है और उसके बाद हमने अपने जो घर वाले, अपने दोस्त अहबाब हैं, हमने उनका भी ईमान महफूज करना है, उनको भी हमने अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, उनको इतना दलाइल के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से इतनी आगाही देनी है कि अगर कोई कादियानी
या उनका कोई भी काम करने वाला एजेंडा लेके सामने जो आते हैं, अगर कोई भी हमारे नौजवान से मिले तो हमारे नौजवान को कम से कम ये पता हो कि ये काफिर है और हमने इससे सलाम भी नहीं लेना। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझसा कोई आया है ना।